आप देख सकते हैं राहुल म्यूजिक के मकान में इस वक्त मौजूद हूं, राहुल म्यूजिक के यहाँ, जो कि कैमरामैन आप इधर दिखाइए, राहुल म्यूजिक के मकान, जो फिल्म शूट होती है वो राहुल म्यूजिक के मकान में शूट होती है। आप देख सकते हैं यही मकान वो है जो कि शूट किया जाता है। जिस तरीके से राहुल म्यूजिक के नाम से शूट होती है फिल्में, बहुत अच्छी रिलीज होती है। आइए, सच की रफ्तार में आपका स्वागत है, और यहाँ पर मौजूद हूँ जो राहुल म्यूजिक के नाम से, जो मालिक हैं राहुल म्यूजिक के नाम से, राहुल जी, उनके पिताजी एक छोटी सी दुकान से गुजारा करके आज राहुल अच्छे मुकाम पर पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पे राहुल जी के पिताजी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सर हरिनंद है। जी हरिनंद जी। मेन चौक लोनी रोड भोपरा मेरी दुकान है, छोटी सी है और इसी को हम बैठते हैं, चलाते हैं। और हमने इसके राहुल जी का बचपन यहीं से शुरू हुआ है, यहीं इसकी पैतृक घर है ये अपना। तो हमने ये पहले से ही सर, जो राहुल आज इस मुकाम पर पहुंचा हुआ है, जो कि अच्छा नाम है, पूरे देश में नाम है, आपने छोटी सी दुकान से बच्चों का पेट काट के आपने राहुल जी को इस मुकाम पर पहुंचाया है, इसमें कितना धन्यवाद करेंगे? मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, लेकिन राहुल जी ने बहुत संघर्ष किया है। बहुत जब मकाम हासिल हुआ है, बहुत संघर्ष के बाद, क्योंकि कहीं जाते थे काम नहीं मिलता था, हमें भी बहुत बुरा लगता था क्योंकि कुछ मिलता तो था नहीं, और धक्के खाकों के घर लौट के आ जाते थे, कभी कहीं जा रहे कभी कहीं जा रहे। आज ये कामयाबी पे अपने पैरों पे खड़े हैं तो मैं बहुत खुशी है, हम बहुत खुश हैं, परिवार संपन्न है कि बच्चा हमारा चलो आज कामयाब हुआ, किसी मुकाम पर पहुंचे, तो अब हमें खुशी होती है कि जो भी कुछ करता है हम मना नहीं करते, पहले से ही सपोर्ट रहा है अपने घर का, इसको चाहे जैसे करे, कुछ भी बनाए कुछ भी करे, पूरा हमारा सहयोग रहा, पूरा सपोर्ट रहा इसकी तरफ से, चाहिए कुछ भी काम करे, गाना बनाए फिल्म बनाए, तो मेरा पूरा सपोर्ट रहा, पूरा आशीर्वाद रहा। तो सर, आगे जो फिल्म जो अभी रिलीज हुई है अंधविश्वास, उसमें आपने कौन सा रोल जो है किया? अंधविश्वास जो हमारी फिल्म अभी रिलीज हुई है, उसमें मैंने पिता का रोल किया है, राहुल जी का पिता बना हूँ उसमें मैं। और मैं कोई रोल मुझे मिलता है तो मैं उसे कर लेता हूँ, क्योंकि मैं पिता का, यानी कि आपको जो है कोई भी रोल मिल जाए, आप सारे रोल करने के लिए तैयार हूँ, पर ज़्यादातर मेरे पिता के रोल वगैरह मिलते हैं तो मैं कर लेता हूँ। आगे सर, कौन सी जो है फिल्म बनाएंगे, जो कि आगे कौन सी फिल्म ऐसी योजना है जो कि आप बनाने वाले? हमारी बांझ फिल्म आने वाली है, और मैंने उत्तर कुमार की फजीता में भी रोल किया, उत्तर जी की जो फिल्म है सुपर डुपर गई है, सुपर हिट गई है, और फजीता में भी मैंने रोल किया है, उत्तर जी ने मुझको रोल दिया था, जी आप मेरी फिल्म में छोटा सा रोल करिए, और फिल्म एकदम करोड़ों में गई है, उसमें मैंने दूधिये डेरी वाले का रोल किया। आपने दूधिये वाले का रोल किया है? हाँ, डेरी जो वाले का। जो दूध बेचते हैं, दूधिया, हाँ, दूध की डेरी वाले का रोल मैंने किया है। उसमें आप जो है दूध घर में देते थे या डेरी खोल रखी थी, उन्होंने मुझे ये फोन दिया था कि आप मेरे घर पे 30 लीटर दूध पहुँचा दो, 20-30 लीटर में भाई पहुँचा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपने फिल्म में रोल किया कि सच में? फिल्म में ही रोल किया था, ये डेयरी का सीन था, उन्होंने दूध का ऑर्डर किया, मैंने उसको कॉल करके बोल दिया भाई पहुंचा देंगे, अजी था फिल्म में रोल किया। सर, जो राहुल जिस मुकाम पर पहुंच गए हैं इस वक्त, आगे क्या रणनीति होगी कि कहां तक आप पहुंचने वाले हैं? आप छोटी सी दुकान है, एक एक पैसे एक एक जोड़ के जो है यहाँ तक पहुँचे हैं, इसकी कोई वजह बताएंगे?
हरियाणवी फिल्म के कलाकार हैं और संपन्न है और आगे भी भगवान से करते हैं। हम तो दिन रात चौगुनी तरक्की करें। यूट्यूब का भी बड़ा हेल्प है, पूरे वर्ल्ड में हमारी गरीब की दिवाली नंबर वन पर रही है। दो साल पहली बात है, अभी राहुल म्यूजिक गरीब की दिवाली नंबर वन पे वर्ल्ड में रही है वो फिल्म हमारी, उसमें मेरा भी रोल है और राहुल जी का भी है। जो राहुल की माता जी हैं, क्या उनसे मैं थोड़ी सी बात कर सकता हूँ यहाँ पर? यहाँ पर राहुल की माता जी हैं यहाँ पे दुकान पर बैठी हुई हैं, और जितनी मेहनत राहुल जी के लिए किया है, पूरा परिश्रम किया है और पूरे तरीके से मेहनत से पूरी लगन से, यानी राहुल जिस मुकाम पर पहुँचे हैं उसके भागीदार कहीं ना कहीं, जितना बाप का हक होता है उससे ज़्यादा भी जो है माँ का रोल होता है, जो कि आगे तक पहुंचाने की दुआ मांगती है। माता जी, क्या नाम है आपका? जी, जो राहुल इस वक्त जिस मुकाम पर पहुंचा है, आपको कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। तो आगे की क्या ऐसी रणनीति होगी, जो कि क्या दुआ आप मांगती हैं ऊपर वाले से कि राहुल जी कहां तक पहुंचे? बस यही दुआ मांगते हैं कि बहुत तरक्की करें, आगे तक जाए, अच्छी तरक्की करें, हमें तो यही खुशी है। कितनी अच्छी बात कहा माता जी ने कि आगे तरक्की करें, आगे बहुत ही अच्छे से मेहनत से आगे तरक्की करें। कैमरामैन गोलू के साथ गंगाराम।